जी अस्सलाम वालेकुम खौतिन हज़रात। अच्छा, मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया एक सेकंड पहले, और ये बोल टीवी पे देख रहा हूँ कि जो हमारे मिस्टर 10% हैं जरदारी साहब, वो दुबई भाग गया है। अभी भी कोई शायद एमरेट्स की फ़्लाइट 603, खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो दुबई भाग गया और कह रहा है कि जी मैं जाके वहाँ पर शायद बिलावल को बुला लूँ वहाँ पर। तो ये देखें, कल सुप्रीम कोर्ट में एक मेजर हियरिंग है, इससे लिटरली पाकिस्तान के मुकद्दर का फ़ैसला होना है। अगर देखा जाए तो ये कुकड़ी ज़बह हो जाएगी इंशाल्लाह, पीटी वापस आ जाएगी पंजाब में, उसके बाद फिर इलेक्शंस कॉल होंगे जो खान साहब का प्लान है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान दोबारा नए पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। देखिए, जरदारी भी गायब हो गया सीन से, उम्मीद है वहाँ जाके फ़ोन बंद कर देगा, बड़ा खोचल आदमी है। दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर, जिसने ये सारी चबल मारी है, घटिया आदमी लोटा, वो भी गायब हो गया, और वो मुकर ही गया वो कि भाई वो चलें, खैर वो भी गायब हो गया, और कल एससी में सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अब अभी देखें, ये दो पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपीपी, इन दो पार्टीज़ का एक अपना कह दें एक आउटलुक है अपनी, दोनों की अपनी। जो नून लीग है ये ऊपर से भी घटिया है, ये अंदर से भी घटिया है, आपको शक्ल से पता लग रहा है। आप और अनसनाला देख रहे हैं, आप इन सबको देख लें तो शक्ल से ये घटिया लोग, चोर लोग लगते हैं सारे, तो ये अंदर से भी ऐसे हैं। ये जो राजकुमारी कहती है उसके दिल में भी वही होता है, वो ऊपर से भी गंदी अंदर से भी गंदी। लेकिन जरदारी जो है या पीपीपी जो है, ज़ाहिर हम तो बात लीडर की करेंगे, वो ऐसा नहीं है। वो जो ऊपर से है ना, ऊपर से दांत निकालता है अपने, वो गधे के दांत ही होते बड़े बड़े, वो दिखाता है, लेकिन अंदर से बड़ा खोचल है, ठीक है ना। वो नून की तरह वो नहीं है। नून जो भी जो होते हैं ना, ये जो कश्मीरी होते हैं इस तरह के, ये ऊपर अंदर से एक ही होते हैं। अगर आप ऊपर से अच्छे हैं तो अंदर से भी अच्छे होंगे, ऊपर से गंदे अंदर से भी गंदे होंगे। लेकिन जरदारी बड़ा खोचल है। मुझे लग रहा है कि जरदारी ने सही इस दफ़ा नून को सेट कर दिया, नून को इसने परमानेंटली बर्बाद कर दिया, इसको ऐसी गली में घुसेड़ दिया है जरदारी ने कि आप वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। फंसा के रखा उसने, जैसे चेस में कहते नहीं है, जो आपको चेकमेट कर दिया, समझे कि उसने चेकमेट कर दिया, चेकमेट करके खुद निकल गया, कहता बुक तो ठीक है ना। अब ज़ाहिर है तो सारा सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर ये डिपेंड करता है कि कल वो कैसे हैंडल करते हैं। अभी न्यूज़ आ रही थी कि नून लीग ने एज ऑलवेज़ 1200 बंदे, 1500 बंदा उन्होंने तैयार किया है सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए। देख, 1200 बंदा, वैसे तो रेड जोन उन्होंने सारी सील कर दी है, लेकिन बहरहाल तो उन्होंने तैयार किया है, कल हमला करेंगे फैसले के लिहाज से। जो सुप्रीम इनकी जो बार काउंसिल है वो भी स्प्लिट हो गई है, आधे कह रहे हैं कि जी वो फुल कोर्ट बनाए, आधे कह रहे हैं कि यार फुल कोर्ट का तुक नहीं बनता। तो बहरहाल तो ये चल रहा है, तो अभी कल सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है एक, कि वो किस तरह इसको टेस्ट को पास करते हैं, फेल करते हैं। देखिए, इदारे जो होते हैं ना, इदारे कोई भी इदारा हो, चाहे क्रिकेट का इदारा क्यों ना हो, किसी भी किस्म का इदारा हो, वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसके आउटकम पे, कि उसने क्या किया है। अब क्रिकेट टीम ले लें, हॉकी टीम ले लें, अब क्रिकेट टीम की क्रेडिबिलिटी ये नहीं है कि उसके जो बंदे हैं नमाज़ें कितनी पढ़ते हैं, रोज़े कितने रखते हैं, हैंडसम कितने हैं, यंग कितने हैं, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। जब क्रिकेट टीम की बात होगी वो पूछेंगे अपने मैच कितने जीते हैं, हारे कितने हैं, जो जीते हैं वो कैसे जीते हैं, आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं। वो उसकी जो भी इसकी आउटकम है, जो उसका काम है, उस पर डिपेंड करता है। एक पायलट अगर जहाज़ गिराता है बार बार, चाहे वो जितना मर्ज़ी हैंडसम हो, तो उसकी तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इसी तरह जो अदालत है हमारी या एस्टेब्लिशमेंट है, वो क्या कर रही है, सियासतदान है क्या कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। अब कल अदालत का ये टेस्ट है, बड़ा प्रॉपर टेस्ट है कल उनका, कि उन्होंने क्या करना है, उनका माइंड कहाँ सेट होता है। ऑब्वियसली जो फैसला करेंगे मानना पड़ेगा आपको, वो एपेक्स कोर्ट है, उसके ऊपर कोई और कोर्ट है नहीं, तो जो वो कह देंगे, वो जो भी कह देंगे, वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। छोटी कोर्ट्स को कर सकते हैं, ये टॉप मोस्ट कोर्ट जो कोर्ट है उसका अगर फैसला गलत भी होगा तो फैसला फिर भी फाइनल है, ठीक है। आप उसको बेशक माने ना माने, लेकिन वो फैसला है। तो लग ही रहा है कि जरदारी ने इनको कहते ना फंसा के मारा है, बन के मारा है उसने नून लीग को, उसने जलील करके रख दिया है कि अब आप जाएं। और उधर जो कुकड़ी है,
उसने 63 बंदों की काबीना के साथ हल्फ उठाया है। ये वो घटिया लोग हैं जो कहते थे कि हमारे पास जहर खान के पैसे नहीं हैं। 63 बंदे काबीना में, और लख दी लानत है आप पे घटिया लोगों, मतलब आपको कोई शर्म नहीं आती आपको। अब 63 बंदों का मतलब है कि सारे जो पर्क्स हैं, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, वो सारा मिलेगा आपको, और कितना खर्चा होगा ये आपकी सोच है, ठीक है ना। उम्मीद है कल सुप्रीम कोर्ट जो है इसको चेक करेगी और यहीं पे ख़त्म करेगी, लेकिन अगर नहीं करती, वो कहती है नहीं जी नहीं ठीक है, हम निज़ाम ख़राब नहीं कर सकते, तो वो हो गया है, उसने हल्फ भी उठा लिया है, तो उसको चलने दें, तो ये फलां फलां फलां, तो फिर ठीक है चलने दें आप, फिर आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं आइन, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, तो रोल बैक करें, तो आपको रोल बैक करना पड़ेगा। उम्मीद है यही फैसला होगा जो लेटर है कि रोल बैक कराएंगे, लेकिन कोई पता नहीं होता पाकिस्तान में। तो न्यूज़ यही थी कि जरदारी खुद खिसक गया है इनको फंसा के, और अपनी टीम को भी बाहर ले जाएगा, अपनी बिल्लो रानी को भी, डिपेंडिंग कल करता है परसों करता है। वो कह रहा है कि मैं चंद दिन जो है ना मैं सीन से गायब हो रहा हूँ, और आप संभालें संभालना आपने। तो देखते हैं जी कल एक मेजर एक वो है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, पता नहीं 1 बजे या 2 बजे होनी है हियरिंग, कल ही करते हैं या एक दो दिन डिले करते हैं, डिपेंडिंग के क्या हो रहा है। उधर जो राजकुमारी है हमारी मरियम सफदर, वो फुल गाली गलोच पे लगी हुई है अपनी टीम के साथ, हर सुप्रीम कोर्ट के जज को वो गालियाँ निकाल रही है, बिल्कुल नंगी गालियाँ निकाल रही है, बिल्कुल जैसे गाली निकालते हैं पंजाबी में उस तरह। ये नहीं कि चोर और वो गद्दार, वो नहीं, प्रॉपर गाली, तो अपनी वो टीम के साथ। तो वो उनका काम है, ये गंदी पार्टी, मैं शुरू से कहता हूँ कि ये गंदी पार्टी है, इसको बैन होना चाहिए हर लिहाज से, पाकिस्तान की सियासत से फॉर एवर बैन करें इनको किसी तरीके से, लीगल तरीके से। लेकिन चलें जी, अब मैंने ये बताना था कि जरदारी गोली करा गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।